नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जन शक्ति में। माय फ्रेंड्स, ये एक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है जिसकी अगर आप रेटिंग की बात करेंगे तो यहां पर 4.7 की रेटिंग इस एप्लीकेशन को मिली हुई है। अगर आप लोन अवधि की बात करेंगे, ये एप्लीकेशन अपने अबाउट सेक्शन में बोल रही है कि ये व्यक्ति को जो लोन प्रदान कराएगी वो 91 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए लोन देगी। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसने बताया हुआ है। दोस्तों, इसने पूरे तरीके से बताया है, ये एक NBFC ऑथराइज एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात ये है, ये एप्लीकेशन पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराती है। आप इससे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, टेक्निकली कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ आप ईमेल के माध्यम से ही इनसे संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई ना तो NBFC का कोई मेल एड्रेस दिया, ना कोई NBFC का इन्होंने कोई नंबर वगैरह मेंशन किया। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने इसके जो रिव्यू सेक्शन चेक किए तो मैं गया क्रिटिकल सेक्शन में। क्रिटिकल सेक्शन में मैंने देखा ये एप्लीकेशन पूरे तरीके से व्यक्ति को 7 दिन और 15 दिन के लिए ही ऋण प्रदान करा रही है। व्यक्ति अगर भुगतान करने में 1 दिन या 2 दिन की देरी करता है, व्यक्ति के साथ में ये एप्लीकेशन पूरे तरीके से उत्पीड़न कर रही है, अवैध कार्य कर रही है, गलत काम कर रही है। व्यक्ति का जो पर्सनल डेटा है उसको लेकर के, व्यक्ति की जो पर्सनल जानकारी है उसको कलेक्ट करके व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन तलाश करते हैं जो कि आपको आपके पैन कार्ड आधार कार्ड पर इंस्टेंटली ऋण प्रदान करा दे, आपको ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन से सावधान होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारे देखने में आया है, मैक्सिमम मोबाइल लोन एप्लीकेशन अपने अबाउट सेक्शन में लिखती कुछ है और व्यक्ति को प्रोवाइड कुछ और कराती हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इसके रिकॉर्डिंग ईमेल भी किया, जिन्होंने हमें क्लियरली बताया कि सर, ये एप्लीकेशन फर्जीवाड़ा कर रही है। अब इस एप्लीकेशन को लेकर के आप क्या कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर आप इसके विक्टिम हैं, आपने किसी प्रकार का इससे लोन लिया है, आपके पास में प्रॉपर एविडेंसेस हैं कि ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, ये एप्लीकेशन स्कैम कर रही है, आप देखिए उन एविडेंसेस को लेकर के इंस्टेंटली एप्लीकेशन के ऊपर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराइए। क्योंकि एप्लीकेशन वही वैलिड है जो कि RBI के अधीन वर्क करती है, जिसको RBI ने लाइसेंस दिया है। और एक बार इसकी NBFC से भी आप इंस्टेंटली कंसल्ट कर लें कि भैया, ये जो एप्लीकेशन है आपके अधीन काम भी कर रही है या सिर्फ और सिर्फ आपका नाम लिखा है इसने, ये आप कर लेंगे तो बेटर है। और तुरंत इमीडिएट बेसिस पर इनके ऊपर एक्शन होगा। और हो सकता है ये जो 400 BC कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन वाले, इस एप्लीकेशन के जितने भी जिसने भी इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, जो भी इस एप्लीकेशन का ओनर है, वो हो सकता है जेल की हवा खाए। तो ये कंप्लेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइबर क्राइम की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसकी जो शिकायत है साइबर क्राइम को भी जरूर करें। और गाइस, मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पर पूरे तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें और छोटे छोटे अपडेट पाते रहें। अब दोस्तों, इस एप्लीकेशन को लेकर के मैं सभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टैग करते हुए एक ट्वीट करूंगा, आप भी मेरा सहयोग करें और जितना हो सके गवर्नमेंट से सवाल करें कि भाई, ये जो ऐसी मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, इनका परमानेंटली खात्मा कब होगा। और अब प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियोस आती रहेंगी, चाहे कोई NBFC ऑथराइज एप्लीकेशन हो, चाहे कोई NBFC ऑथराइज एप्लीकेशन ना हो, हम उनको पूरे तरीके से एक्सपोज जैसे करते आए हैं और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे, और हमारा इसमें आप पूरे तरीके से सहयोग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो जितना हो सके लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर कर दें और ऐसे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन स्कैम को इंडिया से ख़त्म करने में हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट, आपका सहयोग ही हमें इस मुहिम में कामयाबी दिला सकता है। फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, ये राम लोन के नाम से इस समय चल रही है।